तो ये एक इटली में बनी गाड़ी है और एक CBU यूनिट है. दिस इज कॉल्ड ज़ेन कार्बन. 600 मेड इन इंडिया, 300 स्टील, 300 कार्बन. ओके, ओनली 100 लेफ्ट इन इंडिया नाउ. इससे पहले हमने जो भी कार्स देखी वो आपको शायद कहीं पे दिख भी जाए, बट ये जो गाड़ी है वो काफी रेयर है. हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो. मेरा नाम है ओमकार और आज के वीडियो में मैं आपको एक एंटिक कार कलेक्शन दिखाने वाला हूँ, जिनमें से कई सारी कार जो ये सेल के लिए भी अवेलेबल है. तो आज के वीडियो के अंदर हमें असिस्ट करने वाले हैं सागर सर, जो हमें इन कार्स की जो ये डिटेल्स बताने वाले हैं, कौन सी ईयर का मॉडल है, कौन सी गाड़ी है और इनकी जो प्राइस है वो क्या कोट की है, क्योंकि इनमें से कई सारी कार जो ये सेल के लिए भी अवेलेबल है. सो ये है सागर सर, तो ये हमें ये सारी कार्स दिखाने वाले हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी कार्स है. सो फर्स्ट कार से स्टार्ट करते हैं, ये कौन सी कार है उसे हम स्टार्ट करते हैं. दिस इज 1996 W124 डीजल. तो यहाँ पे एक बार आप गाड़ी का इंटीरियर भी देख लीजिए. फुल ब्लैक इंटीरियर है गाड़ी के अंदर. यहाँ पे आप इंटीरियर देख सकते हैं. ये एक मैनुअल कार है, इसके अंदर आपको जो यहाँ पे मैनुअल गेयरबॉक्स जो है देखने को मिलता है, ABS एयरबैग्स भी इस गाड़ी के अंदर. SRS एयरबैग्स यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर दी गई है. यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज मोटर्स यहाँ पे जो ये कुछ बैजिंग दी गई है. और अगर आप डैशबोर्ड भी देखें ना, तो यहाँ पे आपको उड़न की फिनिशिंग मिलती है. AC के यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिलते हैं. नीचे के साइड में आपको एक स्टीरियो मिलता है और गाड़ी की टॉप स्पीड है 220 की. यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी देख सकते हैं, स्टेयरिंग व्हील भी देख सकते हैं कि किस तरह का स्टेयरिंग व्हील इस गाड़ी के अंदर आता था. स्टेयरिंग के ऊपर भी एयरबैग लगी हुई है. और ये है गाड़ी का कुछ कंप्लीट इंटीरियर. सीट्स भी अगर आप देखें तो लेदर सीट्स है यहाँ पे, और यहाँ से जो ये एडजस्ट होती है. बाकी अगर आप डोर भी देखें तो यहाँ पे डोर के अंदर भी आपको वुडन की फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पे लेदर की फिनिशिंग मिलती है. सो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसका पीछे का भी डोर दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इसका रेयर साइड में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गाड़ी किस तरह से है. ये यहाँ पे हैंड रेस्ट वगैरह है और जो गाड़ी का स्टेरियो है ना वो कंपनी की तरफ से आता था, तो इसके अंदर आपको 6 CD चेंजर मिलता है. सो एक बार हम गाड़ी कौन से ईयर की है वो भी जान लेते हैं, मतलब हमें समझेगा कि मतलब कितने वर्थ है फीचर्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी बूट भी काफ़ी बड़ी है, आपको इसके अंदर महसूस है इसकी बूट्स मिलती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं डीजल गाड़ी है ये एक, और वहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा मॉडल है, E250. सो कौन से ईयर का मॉडल है ये सारी चीज़ें हम इनसे जान लेते हैं आज. सो ये कौन सा मॉडल है, ये 1996 और मतलब इसको क्या बोलते हैं, 1-4. और ये गाड़ी सेल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो कितने प्राइस में है, मतलब क्या प्राइस को की है? 10 लाख फॉर दिस. ओके, एंड दिस कार इज इन कंप्लीट ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल पेंट. ओके ओके, और गाड़ी मतलब चलने में कैसी है? स्मूथ, ऐसे लग्जरी कार. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मर्सिडीज 124 इसको बोलते हैं. अगर आप इसके अलॉयज भी देखें, अलॉयज नहीं है इसके अंदर. यहाँ पे आपको इसके अंदर जो है स्टील व्हील्स मिलते हैं, बट इसके ऊपर जो है कैप चढ़ी हुई है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा सा इसके अंदर मर्सिडीज का लोगो है, और ये भी शायद से ओरिजिनल है ना. ओरिजिनल, सो ये भी ओरिजिनल है. एंड ये है गाड़ी का फ्रंट. गाड़ी जो ये कुछ इस तरह से लगती है. जो लेंथ है गाड़ी की वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी गाड़ी है. और ये है नेक्स्ट वाली गाड़ी जो कि ये कब का मॉडल है, 1984 की W123 है. कंपनी इसके अंदर सनरूफ भी है कंपनी की तरफ से आने वाला. तो यहाँ पे एक बार आप इसका भी फ्रंट देख लीजिए. दोनों कार्स आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से दिखती है. और दोनों कार्स के अंदर आपको जो ये हैलोजन का हेडलैम्प का सेटअप आता है, और लुक्स के अंदर आपको काफ़ी मतलब जो ये बदलाव मिलेगा दोनों कार्स के अंदर. ये कब का मॉडल था, 96. ये 1996 का मॉडल है और ये 1984 का मॉडल है. मतलब ये ज़्यादा एंटिक कार है, ज़्यादा पुरानी गाड़ी है. सो यहाँ पे आप लुक्स देख सकते हैं. सामने आपको यहाँ पे जो है क्रोम की काफ़ी सारी फिनिश मिलती है. यहाँ पे ऊपर के साइड में आपको जो ये मर्सिडीज़ का पॉपअप लोगो मिलता है. देन यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, तो यहाँ से मैं आपको ये साइड से दिखाता हूँ इसका इंटीरियर. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो बोनट है ना वो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है. तो यहाँ से इसका एक बार मैं आपको इंटीरियर दिखा देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इंटीरियर है ना वो उस गाड़ी से मुझे और भी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है. इवन ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आपको जो ये मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है. इसके ऊपर थोड़ी सी जो ये मतलब गंदगी आपको देखने को मिलेगी, बट जो गाड़ी है वो सच में मतलब जो कंडीशन है वो सच में क्लीन है. सिर्फ इसके ऊपर आपको थोड़ी सी जो ये धूल है अभी. देन ये है डैशबोर्ड.
डैशबोर्ड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, और सीट्स भी अगर आप देखें तो इसके अंदर भी आपको जो है ये लेदर की सीट्स आती है। देन स्टेरियो वगैरह आपको ये भी गाड़ी में जो ये कंपनी फिटेड ही आता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसके अंदर भी यहाँ पे जो ये मर्सिडीज मोटर्स का जो ये कुछ एक लोगो लगाया है। देन एसी वगैरह भी इस गाड़ी के अंदर जो ये है। सो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसको पीछे से भी दिखा देता हूँ, यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं कि पीछे से ये गाड़ी कैसी है। 1984 की गाड़ी है, और यहाँ पे एक बार मैं आपको इसकी जो बूट है वो भी दिखा देता हूँ, तो शायद से लॉक रहेगी। सो यहाँ पे आप इसकी जो ये बूट देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो कवर है वो पड़ा है, तो इसके अंदर भी जो बूट है वो काफ़ी बड़ी है। दोनों कार्स के अंदर लगभग सेम ही साइज़ की बूट है, और यहाँ पे आप नाम भी पढ़ सकते हैं 240D, ये भी डीजल है ना शायद। सो ये भी एक डीजल गाड़ी है। और अभी हम आगे की तरफ आते हैं और इसकी जो प्राइस है मतलब क्या कोट की है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से एक बार आप ये गाड़ी देख लीजिए कि कैसी गाड़ी है। देन इसकी क्या प्राइस कोट की है आपने? ये अभी तक फिलहाल सेल के लिए सोचा नहीं हो। ओके, सेल में आए तो बताओ। ओके ओके, मतलब अभी तक इन्होंने मतलब प्लान नहीं किया है सेल के लिए, क्योंकि ये मतलब पर्सनल कलेक्शन जैसी भी कुछ कार्स है, यहाँ पे इनका पर्सनल कलेक्शन है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम आगे की तरफ जाते हैं जहाँ पे और भी कुछ कार्स लगी हुई है। यहाँ पे एक जिप्सी वगैरह भी है, ये भी काफ़ी पुराना मॉडल है। सो जो नासिक से है, ये एक MH15 गाड़ी है, प्योर MH15 गाड़ी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कब का मॉडल है, ये 1996 जिप्सी पेट्रोल ओरिजिनल पेंट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1996 की जिप्सी है। इसकी एक बार मैं आपको कंडीशन दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी सेल के लिए है। फॉर सेल, दिस इज फॉर सेल। सो ये भी सेल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, आप इसको भी खरीद सकते हैं। सो ये गाड़ी जो है अभी स्टार्ट है, पर आप यहाँ पे सुन सकते हैं इसका जो नॉइज़ है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। ये एक पेट्रोल कार है, एंड गाड़ी का आप यहाँ पे इंटीरियर देखें तो यहाँ पे मैं एक बार आपको जो है इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ। स्टेयरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेरियो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको जो ये कुछ AC के रिलेटेड कंट्रोल्स मिलते हैं, और ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर। बाकी अगर आप इसका गियर नॉब देखें तो कुछ इस तरह का इसके अंदर गियर नॉब आता है, शायद से 5-speed मैनुअल गियर नॉब रहेगा ना। सो 5-speed मैनुअल गियर नॉब है, और यहाँ पे अगर आप पीछे देखें तो यहाँ पे जो पुलिस की वैन रहती है उस तरह की आपको यहाँ पे जो है पूरी की पूरी सीटिंग मिलती है। मतलब काफ़ी सारे लोग इसके अंदर जो है बैठ सकते हैं, लगभग यहाँ पे जो है तीन लोग बैठ सकते हैं, यहाँ पे तीन लोग बैठ सकते हैं, और आगे जो है दो लोग बैठेंगे। मतलब लगभग लगभग इसके अंदर जो है 8 लोग तो आराम से बैठ ही जाएंगे। सो यहाँ पे आप गाड़ी देख सकते हैं, और पेंट के साथ ही गाड़ी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। सो गाड़ी की आप लुक देख सकते हैं चारों ओर से। एक बार हम इस गाड़ी की भी जो प्राइस है, क्या प्राइस यहाँ पे कोट की है उसके बारे में जान लेते हैं। सो यहाँ पे फिर से एक बार गाड़ी देख लीजिए, ग्रीन कलर में है, और आपने इसकी क्या प्राइस कोट की है? 4.5 सो 4.5 लाख में आप ये गाड़ी जो है बाय कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है वो कोट की है 4.5 लाख रुपीज़। देन यहाँ पे ये है मारुति 800, ये कब का मॉडल है? 1984 की SS80 इसका मतलब, इसको पहले जो ये SS80 बोलते थे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी जो ये फ्रंटी मींस फ्रंट व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव। दिस वाज द फर्स्ट कार इन इंडिया जो फ्रंट व्हील ड्राइव सर। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट कार इन इंडिया जो फ्रंट व्हील ड्राइव आई थी। सो यहाँ पे आप ये गाड़ी देख सकते हैं मारुति 800 ब्राउन कलर में है। बाकी आप कंडीशन वगैरह तो देख ही सकते हैं, ये गाड़ी भी सेल के लिए है। सो ये भी गाड़ी जो ये सेल के लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसकी भी आपको डिटेल्स बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे से भी गाड़ी जो है कुछ इस तरह से दिखती है, और अगर आप पीछे की विंडशील्ड देखें ना तो मतलब काफ़ी यहाँ पे जो स्लोप है वो काफ़ी बड़ा है, शायद से विंडशील्ड भी यहाँ से खुलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो विंडशील्ड है ये कुछ इस तरह से खुल जाती है, और ये खुलता है पीछे का। सो बूट के लिए सिर्फ मतलब जो इसकी विंडशील्ड है ये खुलती है। ये एक 1984 का मॉडल है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको इसका इंटीरियर दिखा देता हूँ, एक बार मैं आपको ये वाली गाड़ी भी दिखा देता हूँ कि कैसी लगती है। ये एक AC कार है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे जो ये AC के वेंट्स वगैरह भी देख सकते हैं, शायद से इसके अंदर जो ये दो ही वेंट्स है। तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं। एक बार मैं आपको थोड़ा सा जो ये अंदर चल के बता दूँ, बिकॉज यहाँ पे बाहर के साइड में थोड़ी स्पेस कम है। सो यहाँ पे
ग्लो बॉक्स वगैरह आप देख लीजिए किस तरह का आता था पुरानी कार्स के अंदर, क्योंकि जो पुरानी कार्स है वो अभी काफ़ी मतलब कम दिखती है। तो यहाँ पे आप ये कार्स देख सकते हैं कि कैसी आती थी। सो यहाँ पे ये है गाड़ी का गियर नॉब जो कि 4 गियर्स के साथ आता था। इसके अंदर आपको एक रिवर्स गियर भी मिलता है, 4 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स है। और यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक वगैरह भी आप देख सकते हैं, 5 सीटर गाड़ी है तो पीछे के साइड में भी आपको जो ये सीट्स मिलती है। तो एक बार मैं आपको ये भी चीज़ जो ये दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप पीछे की इसकी सीट्स भी देख सकते हैं। यहाँ पे सारी जो मतलब सीट्स वगैरह भी है ना, ये ओरिजिनल है इस गाड़ी के अंदर। इसका पेंट वगैरह कैसा है, मतलब ओरिजिनल पेंट है या ओरिजिनल पेंट है इसके अंदर। और अभी हम इसकी भी मतलब जो प्राइस कोट की है उसके बारे में जान लेते हैं। तो ये गाड़ी कितने प्राइस में यहाँ पे सेल किया जाएगा? 25,000। सो 225,000 रुपीज़ में ये गाड़ी जो है ये यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल है। अगर आपको लेनी है तो आप स्क्रीन के ऊपर जो नंबर चल रहा है उसके ऊपर जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इजीली, या इंस्टाग्राम पे आप जो ये मुझे DM कर सकते हैं। सो यहाँ पे मारुति वैन है, तो आप नेक्स्ट वाली गाड़ी यहाँ पे देख सकते हैं। ये है मारुति वैन, ये भी काफ़ी पुराना मॉडल है, 1996 का मॉडल है। इसकी क्या स्पेशलिटी है? इसको हम अभी डिज़ाइन कर रहे थे, लाइक TV, फ्रिज एंड ऑल फॉर पार्टी एंड ऑल। ओके, मतलब इसको वैनिटी वैन जैसे डिज़ाइन कर रहे थे, जिसके अंदर फ्रिज वगैरह जो ये है ये इंस्टॉल करने वाले थे। ये भी काफ़ी पुराना मॉडल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं MH15 गाड़ी है ये भी। और ये भी गाड़ी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड कलर में है। मारुति वैन तो आप सभी ने देखी होगी, काफ़ी सारे लोग ये वैन से स्कूल में भी जाते थे। बट ये वाला जो मॉडल है ये काफ़ी पुराना मॉडल है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको इसका जो इंटीरियर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट्स जो है ये कैसी आती थी, काफ़ी कुशनी सीट्स है अभी भी। और गियर नॉब आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो पुरानी कार्स की गियर नॉब थे ना वो काफ़ी छोटे थे, ऐसे काफ़ी छोटे लगते थे, हाथ में भी ऐसे काफ़ी टाइनी ऐसा फील होता था। देन 800 जैसे आपको यहाँ पे भी जो ये सेम ग्लव बॉक्स मिलता है। स्टेयरिंग व्हील आप यहाँ पे देख सकते हैं, 120 की इसके अंदर जो ये टॉप स्पीड है। और यहाँ पे आप पैडिंग वगैरह भी देख सकते हैं डोर के अंदर। बाकी ये गाड़ी की रेयर सीट्स, यहाँ पे जो ये मतलब काफ़ी यादें हैं मेरी भी, मैं भी स्कूल में कुछ इसी तरह के वैन में जाता था। बट ये वाला थोड़ा सा ओल्ड मॉडल है, 90s का मॉडल है ये एक। सो इसका जो डोर भी है ना वो कुछ इस तरह से स्लाइड होता है, तो अभी किया कार्निवल में भी कुछ इसी तरह का डोर आता है वैन जैसा। तो इसको हम बंद कर लेते हैं। और क्या ये भी गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए अवेलेबल है? ये 1996 का मॉडल है, आई एम एक्सपेक्टिंग 1,60,000 फॉर दिस। ओके, 1996 का मॉडल है और 1,60,000 इसकी जो ये प्राइस कोट की है। और मैं इसके ओनर्स नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ओनर्स इन गाड़ियों को जो ये मैटर नहीं करते, बिकॉज ये पहले से इतनी पुरानी रहती है, इनको एंटीक कार्स के नाम से जाना जाता है। देन यहाँ पे ये नैनो भी सेल के लिए अवेलेबल है, सो ये नैनो सेल के लिए नहीं है यहाँ पे। देन ये गाड़ी यहाँ पे क्यों लगी है? ये सिर्फ स्पेयर पार्ट के लगाए थे। ओके, सो इनके पास यहाँ पे इस तरह की और भी एक गाड़ी है, जैसे 800 है वैसी इनके पास और एक सेम कार है जो कि वो भी सेल के लिए अवेलेबल है। हाँ, वो भी सेल के लिए। सो थोड़ी सी रिस्टोरिंग के लिए गई है, सो इसके अंदर से वो कुछ पार्ट्स जो ये लेते हैं। देन ये गाड़ी के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। 1963 इटालियन फेट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज फियाट एलिगेंट। सो फियाट की तरफ से आती है ये गाड़ी, कब की है? हमें डुक्कर फेट बोलते हैं। डुक्कर फियाट। सो यहाँ पे आप ये भी गाड़ी देख सकते हैं, ब्लैक कलर में है। और ये वाली क्या चीज़ है यहाँ पे? ये सेंटर लाइट आता था उसमें, ओके, एलिगेंट बोलते थे। ओके। सो इसका भी जो पेंट है वो ओरिजिनल है? ये ओरिजिनल पेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा मतलब घिसा है, बट जो पेंट है वो अभी तक ओरिजिनल है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पे आप इसके लुक्स देख सकते हैं, फियाट की तरफ से आने वाली गाड़ी है। तो ये एक इटली में बनी गाड़ी है और एक CBU यूनिट है, 1963 की है। और यहाँ पे आप जो ये इसके व्हील्स वगैरह भी देख सकते हैं। सो ये गाड़ी देख के ना मुझे वो कार्स के अंदर की जो गाड़ी थी ना उसकी याद आती है। और इसके जो डोर्स है ना वो भी काफ़ी यूनिक तरह से खुलते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि सो इसको बोलते हैं सुसाइड डोर्स। यहाँ पे आप ये डोर्स कैसे खुलते हैं वो देख सकते हैं, जो रोल्स रॉयस है उसके अंदर जिस तरह के डोर्स रहते हैं उस तरह के इसके अंदर आपको डोर्स आते हैं। और ये एक एलिगेंस नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी का इंटीरियर, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है ये पूरा ही इंटीरियर मिलता है, जो कि एकदम पुरानी गाड़ियों में आता था। वैसे भी ये 1963 की गाड़ी है, तो आपको यहाँ पे बेंच जैसा पूरा ही एक
लंबा सीट मिलता है जहाँ पे तीन लोग भी बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एक बार देख लीजिए, काफ़ी यूनिक तरह से यहाँ पे ये बना है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है तो यहाँ पे मैं थोड़े से सिनेमैटिक्स वगैरह डाल दूंगा। देन इंटीरियर अगर आप कंप्लीट देखें ना तो काफ़ी अलग इसके अंदर इंटीरियर है। ऊपर यहाँ पे जो है थोड़ा सा छोटा सा ग्लोव बॉक्स है, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम होने की वजह से ना थोड़ी सी मेरे को दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे आपको कुछ एस्ट्रे जैसा मिलता है। गाइज सिंपली ये गाड़ी जो है बहुत ही अमेजिंग है, इसके अंदर कुछ अलग ही चीज़ें भरी पड़ी है, बहुत ही अलग लगता है। और ये आप यहाँ पे इसका स्टेयरिंग भी देख सकते हैं, ये भी एक फियाट का ओरिजिनल स्टेयरिंग व्हील है। सो बाकी आप देख सकते हैं पीछे के जो डोर्स है वो अपने नॉर्मल गाड़ी जैसे यहीं से खुलते हैं। सो इसको पहले अंदर से अनलॉक करना पड़ता है, बिकॉज पहली गाड़ियों में ऐसा कुछ फीचर नहीं आता था जिससे पीछे के डोर भी हम अनलॉक कर सकते थे। सो यहाँ पे आप इसका पीछे का भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो ये तीन लोग बैठ सकते हैं। एक बार हम इसका जो इंजन भी देख लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ अलग ही तरह का यहाँ पे जो ये आपको इंजन देखने को मिलता है। एक बार आप देख लीजिए कि पुरानी गाड़ियों में किस तरह का इंजन आता था, शायद से फोर सिलेंडर है। सो फोर सिलेंडर इंजन है, पेट्रोल। सो पेट्रोल इंजन है। एक बार मैं आपको वो जो मर्सिडीज है उनके भी इंजन दिखाऊंगा लास्ट में। सो अभी हम इसको बंद कर लेते हैं। और ये गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए है। सेल के लिए सोचा नहीं है, मतलब एक दो महीने में इसको निकाले। सो अभी तक इन्होंने सोचा नहीं है अपने मतलब खुद के शौक के लिए, अभी थोड़े दिन तो ये रखने वाले हैं, बट बाद में सोच सकते हैं सेल के लिए। सो ये है नेक्स्ट वाली गाड़ी। सो ये कौन सी है? 1984 फियाट पद्मिनी। सो ये है पद्मिनी, फियाट की है। 1984 फियाट, यस फियाट की गाड़ी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गाड़ी कैसी लगती है। ओके ये थोड़ी सी रिस्टोर्ड गाड़ी है, तो यहाँ पे इसका पेंट वगैरह भी देख सकते हैं। ये भी थोड़ा सा बाद में लगाया है शायद से, बाद में। ओके तो इसका जो पेंट है ये भी बाद में जो ये किया है। और यहाँ पे क्रोम वगैरह का भी काफ़ी सारा फिनिश किया है। इसकी ग्रिल, इसकी ग्रिल का क्या है? ग्रिल अभी हमने रिस्टोर के लिए दी है। ओके मतलब इसकी ग्रिल भी यहाँ पे आने वाली है, वो भी मतलब अपने पास स्टॉक ही पे ग्रिल है। ओके वो भी स्टॉक ग्रिल है। देन यहाँ पे एक बार मैं आपको इसका भी इंटीरियर दिखाता हूँ। वैसे तो ये गाड़ी रिस्टोर की है। सो यहाँ पे एक बार आप इस गाड़ी की भी देख लीजिए। सो की जो ये वाली इसकी की है कौन सी? ओके सो ये वाली इसकी की है, कुछ इस तरह से इसकी की आती थी। ये कब का मॉडल है? 1984 का मॉडल है। और गाड़ी का आप इंटीरियर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा रिस्टोर्ड इंटीरियर है फियाट का। यहाँ पे आपको जो ये अपना स्टॉक जो स्टेयरिंग व्हील था वो मिलता है, काफ़ी अलग सा इसके अंदर जो स्टेयरिंग है। और यहाँ पे आप इस गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे आपको जो ये हैंड गियर मिलता है, ये वाला है, इसका जो ये गियर नॉब है। और जो मतलब अपनी पिछली वाली गाड़ी थी ना उसके अंदर भी सेम इसी तरह का गियर था, तो वो मैं आपको बताना भूल गया। और इसका भी जो सीट है ना वो पूरा ही यहाँ पे यहाँ से वहाँ तक पूरा ही बेंच जैसा इसके अंदर भी आपको सीट मिलता है। पीछे का भी सीट जो है कुछ इसी तरह का है। अभी ये गाड़ी मैं आपको पीछे से खोल के नहीं बताऊँगा, तो यहाँ पर आप कांच में से देख सकते हैं, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर कांच है, बस इसके ऊपर थोड़ी सी धूल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये भी गाड़ी यहाँ पे सेल के लिए है। ये सेल के लिए नहीं है, पर्सनल कलेक्शन। सो ये भी एक पर्सनल कलेक्शन के लिए कार है। देन ये है बीटल, तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये 1963 की बग है, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटल। ओके और ये इंपोर्ट होती थी जर्मनी से। सो ये भी एक सीबीयू यूनिट है। सीबीयू, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एक इम्पोर्टेड कार है। और गाड़ी की अगर आप लुक्स देखें तो काफ़ी मतलब एक एंटिक कार के लिए काफ़ी मैच करती है। अगर किसी को कलेक्शन के लिए रखनी हो तो ये काफ़ी एक यूनिक गाड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही रेयर गाड़ी है, और ये जल्दी से दिखती भी नहीं है। इससे पहले हमने जो भी कार्स देखी वो आपको शायद कहीं पे दिख भी जाए, बट ये जो गाड़ी है वो काफ़ी रेयर है। देन यहाँ पे इसका जो लोगो है वो यहाँ पे आता था ऊपर के साइड में, ये थोड़ा सा ढीला हो गया है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑरेंज कलर की गाड़ी है, और ये भी शायद से ओरिजिनल पेंट है ना? ये नहीं, ये ओरिजिनल एक बार हो गया इसका पेंट। ओके सो ये इसका ओरिजिनल पेंट नहीं है, बट मतलब जो गाड़ी है वो अभी भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पे आप इसके साइड मिरर्स वगैरह भी देख सकते हैं। शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ अलग तरह की डिज़ाइन मिलती है। और ये एक टू डोर कार है, तो यहाँ पे इसके अंदर दो ही डोर्स हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोर जो है थोड़ा सा जोर से खोलना पड़ता है, खींचना पड़ता है। सो यहाँ पे इसका भी आप इंटीरियर देख सकते हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी लाइट की कमी है। सो इसके अंदर भी थोड़े से मैं सिनेमैटिक शॉट्स डाल दूंगा,
देन यहाँ पे अगर आप स्टेयरिंग देखें तो स्टेयरिंग भी यहाँ पे मतलब ओरिजिनल है, काफ़ी अलग लगता है। जो गाड़ी है वो पूरी ही स्टॉक है, ओरिजिनल कार है अंदर से। और सीट्स भी अगर आप देखें तो काफ़ी अलग इसके अंदर आपको सीट्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ टॉर्च लगा के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर है, और ये है इसका ग्लो बॉक्स। और इसका अगर मैं आपको गियर लीवर बताऊँ तो यहाँ पे नीचे के साइड में आपको एक गियर लीवर मिलता है। देन इसका रियर इंजन है, ये गाड़ी जो है एक रियर इंजन के साथ आती है। तो यहाँ पे दो ही डोर मिलते हैं, तो आपको पीछे के तो सीट दिखाने का कोई मतलब नहीं है। सो यहाँ पे आप इसका इंजन देख सकते हैं कि बीटल के अंदर किस तरह का इंजन आता था। यहाँ पे आपको सारी जो ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो ये भी एक पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किस तरह से खुलता है, काफ़ी यूनिक गाड़ी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके लुक्स है। और देन अभी लास्ट वाली गाड़ी, क्योंकि ये भी इनके एक पर्सनल कलेक्शन की कार है। दिस इज कॉल्ड जेन कार्बन, 600 मेड इन इंडिया, 300 स्टील, 300 कार्बन। ओके, ओनली 100 लेफ्ट इन इंडिया ना। ओके ओके, मतलब ये सिर्फ 100 कार है इंडिया के अंदर, 100 कार बची है। ओके, सो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जेन कार्बन 2003, थ्री डोर। ओके, सो एक थ्री डोर कार है। और स्टील अलग है ना इससे, स्टील सिल्वर कलर में। ओके, जो सो मैंने स्टार्टिंग में गलत बोल दिया, जो स्टील है वो सिल्वर कलर में आती है, ये एक कार्बन है तो ये ब्लैक कलर में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका भी जो पेंट है ये एक ओरिजिनल पेंट है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाड़ी की लुक्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट। यहाँ पे भी थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ये अंधेरा है। अगर आपको इनका एक मतलब सिंगल कार का कंप्लीट रिव्यू चाहिए होता वो भी मुझे बोल सकते हैं, मैं इनका आपके लिए एक सिंगल कार का भी रिव्यू लेके आऊँगा। यहाँ पे आप पीछे से भी ये गाड़ी कैसी दिखती है वो देख सकते हैं, काफ़ी स्पोर्टी लुक है, नॉर्मल जेन से तो काफ़ी अलग दिखती है भाई। एंड यहाँ पे यहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। सो इसका जो इंटीरियर है वो अभी थोड़ा सा दिखाने लायक नहीं है। सो इनके पास ऐसी और एक कार है जो कि अभी रिस्टोरिंग के लिए गई है और वो फॉर सेल है, तो उसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि वो कौन सी कार है जो सेल के लिए है। ये वो पंजाब नंबर में MH15 MH15 हो गई अभी, वो कंप्लीट रिस्टोर की है हमने गाड़ी अभी, कंप्लीट विद पेंट जॉब ईच एंड एवरीथिंग। और उसकी आप क्या प्राइस मतलब रखने वाले हो? आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर दैट कार। सो वो गाड़ी के लिए वो 6 लाख रुपीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी कार्बन है। सो वो भी एक जेन कार्बन होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जो ये बाइक्स भी काफ़ी सारी खड़ी है। सो ये कौन सी गाड़ी है? ये बॉबी। सो ये है बॉबी, तो यहाँ पे आप ये गाड़ी देख सकते हैं, राजदूत बॉबी, 80s की गाड़ी है। यहाँ पे GTS लिखा हुआ है, राजदूत GTS है ना। आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं, ये भी शायद से रिस्टोर हुई है कम्प्लीट। सो ये भी रिस्टोर्ड बाइक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिखती है। ये कब का मॉडल है? 1981। सो ये 1981 का मॉडल है, तो आप ये भी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये भी वर्किंग है फुल्ली। सो ये भी गाड़ी जो ये वर्किंग है। और एक यहाँ पे जो ये जावा भी इन्होंने पार्क करके रखी है, तो ये एक बहुत ही रेयर बाइक है, सीबी यूनिट है ये भी एक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी छुपा के रखी है। सो ये है जावा ट्विन। तो यहाँ पे आप ये गाड़ी देख सकते हैं, इसके अंदर क्या मतलब अलग है? इसके अंदर काफ़ी डबल इंजन कराती थी। ओके, मतलब जो भी रॉयल इनफील्ड के अंदर आता है ट्विन इंजन, वो इसके अंदर वो टाइम पे आता था। और यहाँ पे आप जावा देख सकते हैं, बैजिंग यहाँ पे। और इसका जो पेंट वगैरह है वो कैसा है? इसको पेंट करने वाले हैं। ओके, इसको मतलब अभी प्राइमर में अभी। ओके, ये इसका प्राइमर है, और इसके ऊपर जो है पेंटिंग वगैरह होने वाली है, टोटली डिफरेंट है। सो यहाँ पे आप इसका हैंडल वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी अलग इसके अंदर आपको जो ये हैंडल वगैरह देखने को मिलता है, गियर और एक ही साइड। ओके, सो ये मतलब वो वाली बाइक्स में से जिनका जो गियर और ब्रेक है वो एक ही पैडल में आता है। सो एक काफ़ी यूनिक बाइक है। एंड देन वहाँ पे थोड़ी सी मतलब आप देख सकते हैं RX 100 भी है, तो वो तो काफ़ी मतलब अभी नॉर्मल हो चुकी है। ये भी मतलब ये जो है ये काफ़ी पुराना मॉडल है, बट 90s का मॉडल है। सो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं। सो इसमें से कोई बाइक सेल के लिए है? सो बाइक से यहाँ पे कोई भी सेल के लिए नहीं है, ये पर्सनल कलेक्शन है उनका। सो काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। और यहाँ पे आप लैमरेटा भी देख सकते हैं, ये थोड़ी सी मतलब
खराब हालत में, पर इसको रिस्टोर करना ओके सो इसको अभी ये रिस्टोर भी करने वाले हैं। सो रिस्टोर होने के बाद अभी काफी सारी मतलब कार्स बाकी है, यहाँ पे चार पांच कार्स जो है आनी बाकी है, वो रेड कार्स इन आवर स्टॉक ओके वो अभी रिस्टोर हो रहे हैं। सो दो कॉन्टेसा है, एक 1963 स्टैंडर्ड हेरल्ड मार्क वन है मेड इन इंग्लैंड, वो भी सीवी यूनिट है, उसके भी फोटोज में आपको डाल दूंगा ओके। मतलब और जो कार्स बाकी है मतलब जो अभी रिस्टोर हो रही है उनके मैं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर्स डाल दूंगा कि कौन सी कार्स है, और वो भी आप देख सकते हैं। और हम और एक कंप्लीट वीडियो भी बनाएगी जिसके अंदर हम एक एक गाड़ी का जो है डिटेल में रिव्यू देंगे और भी अच्छे से एक गाड़ियाँ जो है लगा के। सो और जो है कई सारी कार्स आनी बाकी है, अगर आपको गाड़ियाँ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि कार सेल के लिए अवेलेबल है, अगर आपको वो बाय करनी है तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर एक नंबर चल रहा है उसके ऊपर आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। या स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक, विंटेज कार, ईच एंड एवरीथिंग ओके। अगर आपको कोई भी मतलब यूज्ड कार मार्केट में अगर आपको कोई बाइक लेनी है, कार लेनी है, तो आप यहाँ पे जो है ज़रूर इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है कई सारी कार्स अवेलेबल रहती है, बाइक्स भी अवेलेबल रहती है। ऑटो ट्रेड नासिक, माय नेम इज सागर, माय कॉन्टैक्ट नंबर इज 8329553 65। सो यहाँ पे इन्होंने पर्सनली भी कॉन्टैक्ट नंबर बताया, बट यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर भी एक बार डाल देंगे जिसे आपको जो ये काफ़ी इजी जाएगा कॉन्टैक्ट करने में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही था, हम सागर सर से जो है थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने हमें इतना टाइम दिया, इतनी हेल्प की। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली एसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वाली एसी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो एक बार आप मर्सिडीज का इंजन भी देख लीजिए।